गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक मैथ चैप्टर के अंदर मैं आपको लास्ट तक में मैंने जो आपको वीडियो पढ़ाए हैं आपने देखा होगा और आपने उसके क्वेश्चन भी किए होंगे, असाइनमेंट के भी क्वेश्चन किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। बेसिक मैथ्स का एक लास्ट पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको अपन और देखते हैं। उसके अंदर जैसे आप लोगों ने रेशनलाइज वगैरह तो देखा था, उसके भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अब अपन उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं रेशियो की बात करता हूँ। रेशियो होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड देन रेशियो ऑफ टू बी ए रेशियो बी और ए बाई बी, दैट इज ए रेशियो बी को मैं ए बाई बी लिख सकता हूं। ये बिलोंग्स टू क्यू, एक फ्रैक्शन की तरीके से बिहेव भी करेगा और एक इंटीजर नंबर यहां अगर मैं लगा दूं तो फ्रैक्शन बना देगा। सिमिलरली आपको इसकी एक खास बात और बताता हूं। जैसे कि ए रेशियो बी को आपने लिखा ए बाई बी, तो मैं अगर उसको किसी भी कांस्टेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, एम ए अपॉन एम बी, एन ए अपॉन एन बी, तो ऐसे रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसका कैंसिलेशन करूंगा, काटूंगा इसको किसी भी टेबल से, तो वापस से ये ए रेशियो बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो m और n है वो देखिए नंबर क्या आ जाएंगे, m कॉमा n नॉन जीरो नंबर होंगे। मतलब ये जो नंबर है उसमें नंबर के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए। ये सबसे मोटी चीज है जो अपने को ध्यान रखनी है, ये आपने देखा होगा। इसके बाद इसी रेशियो के अंदर एक अपन पार्ट लेते हैं मिक्स्ड रेशियो का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए कैसे। मिक्स्ड रेशियो देखिए, मिक्स्ड रेशियो में मैं केवल आपको समझाऊंगा इसके अंदर। देखिए इफ ए रेशियो बी सी रेशियो डी ई रेशियो एफ, ऐसे तीन रेशियो, तो आपको पता होगा पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम, इसकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो मैं इस तरीके से भी इस रेशियो को देखो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ। तो इसका जो मिक्स्ड रेशियो होगा वो यूं बन जाएगा ए सी ई बी डी एफ, मतलब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज मिक्स्ड रेशियो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2:3, 4:5 और 1:2। अब देखो फर्स्ट वालों की मेरे को मल्टीप्लाई करनी है, 2:4:1 2:4:1 रेशियो। अब बताओ 3:5:2, तो 2 और 4 8, 8 की 1 से 8, यहां पे देखो 10 और 3 से किया तो 30, 8:30 सिंप्लीफाई होता है 4:15, ये इसका रेशियो बन जाएगा मिक्स्ड रेशियो, अगर आपको कोई भी पूछे तो मिक्स्ड रेशियो। उसके बाद अपन बात करते हैं रेशियो के अंदर प्रॉपर्टीज को लेकर। तो आपको पता है मैथ्स के अंदर कुछ है ही नहीं, लॉ और प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ नहीं होता है। तो प्रॉपर्टीज के बाद जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती है उसी के पे तो लॉ लगते हैं, सारे केस ही उसके ऊपर ही होते हैं, सारा रामायण ही प्रॉपर्टी को लेकर है। तो अब देखिए प्रॉपर्टी के ऊपर अपन कैसे बात करते हैं, प्रॉपर्टी को देखिए आप। तो सबसे पहले रेशियो की प्रॉपर्टी, तो रेशियो जो है उसकी प्रॉपर्टी को एक सिंपल वे के अंदर अपन देखते हैं। देखिए अभी जैसे आपने एक रेशियो रेशियो देखा था, अब देखिए उसके ऊपर प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर वन, इफ ए बाई बी एक रेशियो है, सी बाई डी ई बाई एफ अगर ये इक्वल है,
देन ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, मैं ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ ये कर सकता हूं। आपको पता होगा कि अगर मैं सम ऑफ न्यूमरेटर कर सकता हूं तो सम ऑफ डिनोमिनेटर भी कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसके अंदर अपन ये भी काम कर सकते हैं कि मैं इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपके अंदर जैसे प्रॉपर्टी नंबर टू है, प्रॉपर्टी नंबर टू के अंदर बात करते हैं रेशियो ऑफ टू रेशियोज। तो उसके ऊपर बात करते हैं, जैसे रेशियो ऑफ टू रेशियोज मान लीजिए ए रेशियो बी एंड सी बाई डी हुआ, तो इस कंडीशन के अंदर देखिए अपन लोग क्या करेंगे ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी का। तो देखिए ए बाई बी से डिनोट कर दिया, इसको मैंने सी बाई डी से डिनोट कर दिया। तो आपको पता है सिंपल सी बात है कि ए बाई बी डी ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ए डी अपॉन बी सी। ये बना रेशियो ऑफ टू रेशियोज, टू रेशियो ए रेशियो बी एंड सी बाई डी। अगर मैं इसको ए बाई बी सी रेशियो डी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए रेशियो बी सी रेशियो डी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी अपन कर सकते हैं। तो मैं दोनों टर्म्स को लिखने के लिए आपको अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूं। अगला देखिए प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री के लिए देखिए मैं एक साथ ही समझा देता हूं आपको, चार पांच प्रॉपर्टी को लिखे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री में देखिए आप, इफ ए रेशियो बी इज एनी रेशियो इज देन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास ए रेशियो बी है देन डुप्लीकेट रेशियो, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर कर सकते हैं पहला पार्ट, देन ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब ए क्यूब रेशियो बी क्यूब भी मैं कर सकता हूं, देन यहां सब डुप्लीकेट रेशियो कर सकता हूं, सब मतलब आधा हो जाएगा, मतलब रूट ए रूट बी, या मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं ए की पावर वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू। अगर मैं ऐसा लिखूं देन सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इसके अंदर मैं ये भी कर सकता हूं ए की पावर वन बाई थ्री रेशियो बी की पावर 1/3। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनको अपने को ध्यान रखना है, ये जनरली आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं चाहे nth टर्म कैसे भी हो, चाहे वो इंटीजर की फॉर्मेट में अंदर हो, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्मेट के अंदर हो, अपन लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अपना जो मेन टॉपिक है प्रोपोर्शन, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए रेशियो से ही प्रोपोर्शन बना है, देखिए आप लोग तो प्रोपोर्शन के बारे में एक बार फिर से, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी देखिए आप, प्रोपोर्शन के अंदर देखिए इफ टू रेशियो दैट इज ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इक्वल देन फोर क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, देन फोर क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, दैट इज ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसको लिखने का तरीका ये होगा A is B as C ratio D, इसको अपन मैथ्स की डेफिनेशन में बोलेंगे as A is B as C ratio D,
सी रेशियो डी की जगह मैं सी इज बी भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इज बी एज सी इज डी, ये प्रपोर्शन का सिंबल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ये रेशियो आपस में इक्वल है तो इस तरह की कंडीशन थी। तो इस पे आप देखिए क्या होता है, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, आपको इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको अच्छे से पता है, ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाएगी और ये इसकी इंटरनल या मिड वैल्यूज। तो इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन वो ऑलवेज इक्वल होता है, तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो आपने देखा होगा रिजल्ट बना ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये रिजल्ट बना है प्रोपोर्शन को लेकर। अब प्रोपोर्शन की भी कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम काम करते हैं। तो प्रोपोर्शन के लिए प्रॉपर्टी को देखिए आप, प्रॉपर्टी नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन को लेकर, तो इसको अभी अपन याद करेंगे बहुत अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर वन, इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी देन ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी देन, यहां पे मैं इस पार्ट को उल्टा कर देता हूं, बी बाय ए इक्वल टू डी बाय सी इज कॉल्ड इनवर्टेंडो। इस प्रॉपर्टी को ये नाम देंगे, इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी देन। अब देखिए मैं क्या करता हूं, बी की जगह तो सी ले जाता हूं, सी की जगह बी ले आता हूं, तो ए बाई सी बी बाई डी इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको अपन एक और काम कर सकते हैं। अभी हमने बी और सी की पोजीशन चेंज की, अब मैं क्या करता हूं ए और डी की पोजीशन चेंज करता हूं। तो जैसे मैंने पोजीशन चेंज की डी बाई बी, और देखिए मैं क्या करता हूं सी बाई ए, ये भी क्या कहलाएगा अल्टरनेंडो कहलाएगा। प्रॉपर्टी नंबर थ्री के ऊपर मैं बात करता हूं, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी देन मैं ए बाई बी प्लस वन और सी बाई डी प्लस वन कर सकता हूं। तो मैंने देखो इसके अंदर ऐड किया, तो ऐड किया तो देखिए ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी इज कॉल्ड कंपोनेंडो, इज कॉल्ड कंपोनेंडो। प्रॉपर्टी नंबर फोर के ऊपर बात करेंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर फोर देखिए आप, प्रॉपर्टी नंबर फोर, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी देन ए बाई बी माइनस वन सी बाई डी माइनस वन। तो जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए आपका बनेगा ए माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी इज कॉल्ड डिविडेंडो, इसको मैंने बी बना लिया इज कॉल्ड डिविडेंडो, ये प्रॉपर्टी बनी। प्रॉपर्टी नंबर फाइव सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो मैं क्या करूंगा देन बाई इक्वेशन ए डिवाइड बी वी गेट, तो ए आपकी ये रही बी आपकी ये रही। तो देखो इससे प्रॉपर्टी बनाना सिखा रहा हूं, तो देखिए सीखिए। तो जैसे ही मैंने लिखा तो आपको पता होगा डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बना यहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। ये प्रॉपर्टी आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव नोट लिखा रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर अपन एमएन रूल पढ़ते हैं, तो उस एमएन को यूज करता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को एज इट इज दोनों बार लिख दो, न्यूमरेटर के अंदर भी डिनोमिनेटर के अंदर भी, और उस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही वो रूल है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सी एंड डी की फॉर्मेट में यूज करूंगा। इस पे आप लिख लेना इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आप ध्यान रखें। अब इसके ऊपर एक बेहतरीन रिजल्ट है जो अपने क्वेश्चंस के अंदर बहुत काम में लेंगे, तो उस रिजल्ट को मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूं, लेकिन उसके बाद आप समझ जाना कि इस रिजल्ट के ऊपर अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो वो तीन स्टेप चार स्टेप अपने को करने की जरूरत नहीं है, तो उस और ट्रिक का अपने को यूज करना है। तो लिखिए आप इसके अंदर बिस्सा कॉन्सेप्ट लिखिए, अभी प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई है, इसी चीज को लिखिए आप। जैसे आपने देखा था, नोट डाल के लिख लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर आप बहुत छोटे फॉर्मेट के अंदर सॉल्व करेंगे। आपने अभी देखा था कि इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी था, देन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी से आपको ये मिला ए प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी। लेकिन मैं वापस से अगेन इसी प्रॉपर्टी का ही मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाता हूं, तो देखिए यहां से स्टार्टिंग किया, लेट ए प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी, अप्लाई सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए ए प्लस बी ऊपर मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा, नीचे मैं क्या करूंगा माइनस, तो माइनस का ही प्लस का भी, ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट मैं इसके साथ भी करूंगा, सी प्लस डी तो ऊपर करूंगा प्लस, नीचे करूंगा माइनस, तो माइनस सी प्लस डी। अब देखिए यहां कैंसिल हो रहा है, बी से बी बिडमरे, ए से ए स्वाहा, डी से डी स्वाहा, सी से सी कैंसिल, तो देखिए ए प्लस ए क्या हुआ टू ए, बी प्लस बी क्या हुआ टू बी, और यहां बताओ सी प्लस सी टू सी, और डी प्लस टी टू डी, टू से टू बिडमरे वापस से, तो ए बाई बी सी बाई डी। इस क्वेश्चन के अंदर यही जादू था कि जो हमने ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी से अगर आपने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया तो एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, लेकिन उस प्रॉपर्टी को वापस से अगेन लगाने पे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी का जो रेशियो आपको होता है वो वापस से इक्वल मिल जाता है। तो आज के बाद अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसके अंदर ए आपका फिक्स हो और आगे वाली वैल्यू प्लस के अंदर बी की फॉर्मेट में हो, या आगे वाली वैल्यू माइनस के अंदर बी की फॉर्मेट में हो, तो अपन लोग इस क्वेश्चन को सीधा ए बाई बी और सी बाई डी की फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन है वो बचा लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा, आप देख लें। तो अब अपन प्रॉपर्टी नंबर, ये जैसे अपन लोगों ने किया था प्रॉपर्टी नंबर फाइव तक की बात हुई थी, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स को देखें। सिक्स के अंदर अपन कैसे करेंगे, सिक्स के अंदर मैं रेशियो की वापस से उसी प्रॉपर्टी को लूंगा जिसको प्रोपोर्शन के अंदर अपने को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो देखिए इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एम, देन सबसे पहली कंडीशन है कि मैं जितने भी न्यूमरेटर के लोग हैं उन सब का सम कर सकता हूं और डिनोमिनेटर का भी सम कर सकता हूं, हमने ये रेशियो के अंदर भी पढ़ा था। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब मैं प्लस कर सकता हूं तो मैं माइनस भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेशियो इन रेशियो के इक्वल ही रहेगा हमेशा। अब एक नई प्रॉपर्टी और है कि अगर मैं किसी स्केलर को लेकर इनसे मल्टीप्लाई करा के और इनका सम या सब्ट्रैक्शन कर देता हूं तो भी उस रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लैम्बडा वन ए प्लस लैम्बडा टू सी प्लस लैम्बडा थ्री ई, इसी तरीके से लैम्बडा वन बी लैम्बडा टू डी लैम्बडा थ्री एफ, यहां पे लैम्बडा वन लैम्बडा टू लैम्बडा थ्री आर नॉन जीरो स्केलर हो जाएंगे क्वांटिटीज। अगर मैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को अगर यूज करूं, आईआईटी के लिए बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, लैम्बडा वन ए की पावर एन लैम्बडा टू सी की पावर एन लैम्बडा थ्री ई की पावर एन, लैम्बडा वन बी की पावर एन लैम्बडा टू डी की पावर एन लैम्बडा थ्री एफ की पावर एन, पूरे की होल पावर वन बाई एन। मैं किसी कंपोनेंट की तो पावर कर देता हूं, जैसे मान लो स्क्वायर कर दिया मैंने, और उसके पूरे की होल पावर वन बाई टू, अगर अंदर क्यूब कर दिया तो
तो ऊपर 1/3 करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके अंदर भी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटीज। तो ये अपने पास रेशियो और प्रोपोर्शन को लेकर सारी प्रॉपर्टीज की जानकारी थी, और इनको अपने को देखो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है कि जिससे आपको याद हो जाएगी। अब देखिए इसका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को लेकर अपन देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल वे का क्वेश्चन उठाते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूं इफ ए बाई बी इक्वल टू 2/7, तो मुझे वैल्यू निकालनी हो, फाइंड दी वैल्यू ऑफ 2a+3b a-b, तो बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने लेट किया a बाई बी 2/7, तो आप इस रेशियो को a/2 b/7, आपने प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी लगाई, b की जगह 2 को चेंज किया, 2 की जगह b को चेंज किया, ये आपकी अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी थी, इसको मैंने मान लिया k, तो a की वैल्यू होगी 2k, b की वैल्यू होगी 7k। अब जो a और b की वैल्यू आई है वो आप यहां पे पुट अप कर दीजिए, a की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी 2k 3, b की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी 7k, और यहां बताओ क्या आ जाएगा 2k-7k, तो बताओ यहां हो जाएगा 4k-21k, और यहां ये माइनस के अंदर आ जाएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 5k, तो इधर बताओ क्या आ जाएगा 25k माइनस का 5k, k से k को उड़ा दो, 5 से ये गया आपका 5 times, तो बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो कोई भी नंबर आ सकता है, नंबर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं आपको देखो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। जब भी आपको इस तरह की लीनियर फंक्शन मिले, मतलब आपको देखना है कि इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, जैसे मान लो पावर यहां ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर क्यूबिक की फॉर्मेट में तो नीचे भी क्यूबिक की फॉर्मेट होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट a की जगह 2 और b की जगह 7 पुटअप करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट आंसर, तो डायरेक्ट देखिए आप 2 आपने किया यहां 4, यहां कीजिए b की जगह क्या आ जाएगा 7, तो डायरेक्ट आंसर आया 25, यहां कीजिए 2-7 माइनस का 5 दैट इज माइनस। तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट उसको हिट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूं उसको देखिए आप, अगले क्वेश्चन के अंदर रूट का क्वेश्चन लेते हैं कुछ अच्छा सा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सॉल्व इट, जैसे ये लिखा हुआ होगा आपके पास √2+x + √2-x, √2+x - √2-x इक्वल टू 2। सर आपने इतनी बार वो प्रॉपर्टी पढ़ाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो उसका देखो यूज देखिए क्या है। अब आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन मिला हुआ है कि मुझे सॉल्व करने के लिए कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे। तो देखिए अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपॉन में कुछ नहीं है, मैं 1 लगा लेता हूं, तो अप्लाई करता हूं मैं अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये प्रॉपर्टी मैंने जैसे अप्लाई की तो इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होगा, एक बार फिर से बताता हूं कि m अपॉन n के अंदर होता है, तो आपको पता है m+n m-n इस तरह की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो देखिए इसके अंदर भी अपन लगाते हैं, तो देखिए न्यूमरेटर को मैंने रखा 2+x 2-x, आप मेरी तरह करिए, इस न्यूमरेटर को भी यहां पर रखो, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर तो कर दो प्लस और नीचे कर दो माइनस, माइनस करने से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, सेम एज इट इज इस साइड भी करेंगे तो 2+1 2-1, ये देखो कैंसल, ये देखो कैंसल, तो बताओ क्या बचा, 2√2+x 2√2-x 3/1, 2 से 2 बिड़मरे। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं रूट को हटा दूंगा, तो जैसे ही देखिए मैं हटाता हूं तो देखिए यहां बनता है 2+x, यहां बनेगा 2-x और यहां आ जाएगा आपका 9/1। अब मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2+x इधर मैं करता हूं तो बताओ क्या आ जाएगा 18-9x,
जैसे मैं 9x को इधर लेके आता हूं तो ये बना 10x और ये बना 16। इसको फिर से मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिए x इक्वल टू आ जाएगा 16 अपॉन में 10, तो 16 अपॉन 10 में 8/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं इसी तरीके से, एक और क्वेश्चन जो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन की तरफ देखिए, सॉल्व इट क्वेश्चन। देखिए आप 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अपन इस क्वेश्चन को लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आपको देखने से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अपने को पहचानना है, इसमें ढूंढना है a कहाँ है और b कहाँ है। तो देखिए 3x की पावर 4 प्लस को मैंने रखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 3x की पावर 4 मैंने यहां से माइनस को कॉमन लिया, जैसे मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब देखो ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम मिल रही है, यहां मिला आपको a और यहां मिला b, तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब इधर देखिए इसी तरीके से 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसी तरीके से 5x की पावर 4 में माइनस को कॉमन लेता हूं तो 2x स्क्वायर माइनस 7x और क्या हो जाएगा यहां पे प्लस का 3, ये कंडीशन आ रही है। अब जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसको जैसे ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो सिंप्लीफिकेशन को आप देखिए, मैंने अभी ये ट्रिक बताई थी कि अगर a प्लस बी ए माइनस बी, ये अभी ट्रिक जस्ट मैंने बताई आपको, c प्लस डी और c माइनस डी हो तो वो बताओ क्या बन जाएगा, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अगर वो जिस बच्चे को वो रिजल्ट याद है, अगर उस रिजल्ट को उसने बहुत अच्छे से देखा है तो इतने बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन वो 2 मिनट में कर सकता है। तो देखिए यहां तो आ जाएगा a, आप करके देख लेना, भले आप अगेन अप्लाई करके देख लेना, कंपोनेंट और डिविडेंड तो वापस तो वही आना है। मैं डायरेक्ट हिट करता हूं इसको, तो देखिए a की जगह तो मैं लगाता हूं 3x की पावर 4 और b की जगह मैं लगाता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इधर देखिए मैं लगाता हूं c की जगह 5x की पावर 4 और इधर देखिए मैं लगा देता हूं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब अपने पास कोई तरह का कोई कंटेंट नहीं है, अब अपने को साफ साफ ये लग रहा है कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कोई तरह का ऑप्शन नहीं है। तो अपन देखिए इस क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो कैलकुलेशन को देखिए करते हैं अपन, जैसे देखिए यहां पे 3x की पावर 4 तो इसकी मल्टीप्लाई की मैंने 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यहां मैंने मल्टीप्लाई की 5x की पावर 4 से तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब मैं देखो इसको ट्रांसफर करता हूं तो x की पावर 4 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, अब बताओ यहां बचा 3 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यहां बचा बताओ माइनस का 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां x की पावर 4 इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 6x स्क्वायर यहां बताओ क्या हो जाएगा 21x, यहां पे 9 माइनस का 5x स्क्वायर, यहां बताओ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 10x, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब तो कुछ नहीं है, फैक्टर है 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस का 10 वो आपके हो जाएगा माइनस का 11x और 15 प्लस 9 वो होता है 24 इक्वल टू 0। आपको पता है ये ऐसे फैक्टर बनते हैं जो 8 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाएगा 24 और 8 प्लस 3 करने पे क्या आ जाएगा 11।
तो मैं माइनस का कर सकता हूं, तो आपको पता है मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर बना सकता हूं। तो देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, x की पावर 4 यहां आ जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 8 इक्वल टू 0, देन x वैल्यू इज 0, 3, 8, ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने आपको पता है कि जब भी लेक्चर फिनिश होता है अपन डू योर सेल्फ एक असाइनमेंट का एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूं, तो उस असाइनमेंट की प्रॉब्लम को आपको घर से करके लेके आना होता है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन सही होता है तो आप टेलीग्राम की ग्रुप से आप जुड़ सकते हो कोचिंग से, जिसके ऊपर आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, मे बी आपने ये उतार लिया होगा। तो क्वेश्चन देखिए आप आज का असाइनमेंट का, एकदम फाड़ू क्वेश्चन है। देखिए देखिए डू योर सेल्फ के अंदर आज का क्वेश्चन देखिए, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखिए 2a की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 3a² b² माइनस 5e की पावर 4 एफ अपॉन में 2b की पावर 6 3b² d² 5f की पावर 5। ऑप्शन मैं p बताता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 d की पावर 4 e की पावर 4 f की पावर 4 और a c e की पावर 4 b d f की पावर 4। अभी ऑप्शन ए हुआ है, ऑप्शन ए p एंड q आर करेक्ट, p एंड q आर करेक्ट। ऑप्शन बी p एंड q एंड r, p कॉमा q एंड r आर करेक्ट। ऑप्शन सी s आर करेक्ट। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये चार इसके ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कोई आपको पता होगा कि जैसे आईआईटी के अंदर मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे ही आते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन जो है उसमें देते हैं तो उसके 2-3 ऑप्शन सही होते हैं, 4 भी हो जाते हैं। तो उसमें आपको ये लगाना होता है कि आप पूरा सिंप्लीफाई करके आप वहां तक पहुंच पाते हो या नहीं पहुंच पाते हो। जैसे एक सिंगल वैल्यू का आंसर निकालना बहुत आसान होता है लेकिन एक बड़ी वैल्यू को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स में करवा दी जा रही है, जिससे आप घर पे ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको मैंने बता दी है कि जैसे a बाई बी सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू लेट कर लीजिए, आपके ये लेट करके आप वैल्यू को पुट अप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।